टुडे वी विल स्टार्ट फंक्शन। फंक्शन को समझने के बहुत सारे मेथड है। इसमें एलजेब्रिक मेथड है, ग्राफिकल मेथड है और एक सेट थ्योरी का मेथड है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हम सेट थ्योरी के मेथड से फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। देखते हैं, पहले तो फंक्शन को सेट थ्योरी के मेथड में दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये सपोज वेन डायग्राम टाइप हो गया, ये सेट ए है और सेट बी है। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड तो ये होता है, हमने ऐसे एफ लिखा और सच दैट फंक्शन ए से बी में, है ना, फंक्शन ए से बी में। ये सेट थ्योरी के मेथड में, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से बी में और फंक्शन को ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके के मेथड है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रूल द मैनर अ मैपिंग अ करस्पॉन्डेंस विच मैप्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक। ये इसकी डेफिनेशन है। इसी डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज करो तुम्हें कोई एग्जाम देना है और तुम एग्जाम में या तो फेल हो सकते हो, ठीक है, या ग्रेड तुम्हें सी मिल सकती है। मतलब सबसे कम मान लो 30% से मार्क्स कम आए तो फेल हो गए, उससे ज़्यादा मार्क्स आए तो ग्रेड सी मिल गए, है ना। फिर ग्रेड बी और ज़्यादा मार्क्स आए ग्रेड बी, है ना, ग्रेड ए। तो तीन ग्रेड्स हैं, या तो तुम बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे मान लो 90% से ऊपर तो ए, फिर उससे कम मार्क्स आएंगे बी, उससे कम सी। एग्जैक्ट बताने की जरूरत नहीं कि कितने परसेंट इधर कितने परसेंट उधर। तो तीन ग्रेड्स हैं और ये फेल हो गया, ठीक है। ये कोई एग्जाम है, मान लो आईआईटी एग्जाम ही है। तो उसमें अब इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए तुम क्या करते हो? सेल्फ स्टडी, पहला सेल्फ स्टडी करते हो, ठीक है। नंबर दो ट्यूशन जाते हो। नंबर तीन ऑफलाइन स्टडी करते हो। ऑफलाइन तो सेल्फ स्टडी हो गई, मान लो ऑफलाइन स्टडी। नंबर दो क्या हो गया? ट्यूशन जाते हो। नंबर तीन समझ लो स्कूल जाते हो। और नंबर चार ऑनलाइन स्टडी, याद रहेगा, सेल्फ स्टडी है ना, स्कूल, ठीक है, एंड ट्यूशन और सम जो है ऑनलाइन स्टडी। इस तरह से ये चार तरीके हैं, ठीक है। अब इसमें तुम ए को बी से लिंक कर सकते हो। तुमने सेल्फ स्टडी की और तुम्हारी ग्रेड ए भी आ सकती है, है ना, ग्रेड बी भी आ सकती है, ग्रेड सी भी आ सकती है, ग्रेड एफ भी आ सकती है। मान लो तुमने सेल्फ स्टडी की और फेल हो गए, ठीक, सेल्फ स्टडी की फेल हो गए, है ना। दूसरा मान लो तुमने ट्यूशन गए, नंबर दो को ट्यूशन कर लो, ट्यूशन गए और ग्रेड सी मिला, ठीक है। उसके बाद स्कूल गए तो ग्रेड बी मिला, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी की तो ग्रेड ए मिला। ऑनलाइन स्टडी सबसे अच्छी होती है, ग्रेड ए मिला। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस हो गई है, मतलब एग्जाम पास करने की एक प्रोसेस है, है ना। तो तुम पहली चीज करोगे सेल्फ स्टडी की, फेल हो गए, यानी तुमने एक जो सेल्फ स्टडी है वो इनपुट है, उसको तुम इनपुट भी कह सकते हो, मतलब जो तुम कर सकते हो वो सब इनपुट है, और जो रिजल्ट आएगा, है ना, जो कर्म का फल मिलेगा वो आउटपुट है, और बीच में प्रोसेस होती है, तुम्हारी जो एग्जाम दोगे, ये करोगे, वो करोगे, वो सब प्रोसेस हो गई। इस तरह से थोड़ा लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा ये टॉपिक, है ना। ऐसे रट्टा लगा लोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब कुछ और बातें हैं इसमें, ठीक। तो ये प्रोसेस हो सकती है, मतलब पहला सेल्फ स्टडी से तुम फेल भी हो सकते हो, है ना। सेकेंड मान लो ट्यूशन गए तो ग्रेड सी मिल गया, स्कूल गए तो ग्रेड बी मिल गया, ऑनलाइन स्टडी से ग्रेड ए मिल गया। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता, फिर से मैं इसको लिखता हूं, ऐसा
कभी भी नहीं होगा कि तुम्हें दो ग्रेड एक साथ मिल जाए, है ना। एफ ये आउटपुट, तो कौन सी चीज आउटपुट हो सकती है, कौन सी चीज इनपुट हो सकती है, वो बहुत ध्यान से समझना कि ये बहुत प्रैक्टिकल है। बच्चे क्या करते हैं, इसको याद करने लगते हैं, उसको समझते नहीं है। तो एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया है। एक्चुअली मेरे दिमाग में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आया, तभी मैंने कहा आप शुरू करते हैं इसको, है ना। तो ये अच्छा, अब मान लो तुमने सेल्फ स्टडी की, तो तुम फेल भी हो गए और तुम्हें ग्रेड सी भी मिल गई। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मतलब तुम फेल और ग्रेड ए सी एक साथ नहीं मिल सकते, या तो तुम फेल हो गए या ग्रेड सी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज पॉसिबल नहीं है, या ए से बी में इस तरह का फंक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो, मतलब इस सेट, ये जो सेट, अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझो कि जो फर्स्ट इस सेट का जो मेंबर है वन, वो बी सेट के दो मेंबर से एक साथ एसोसिएट नहीं हो सकता, ठीक है। तो बीच में प्रोसेसिंग हो रही है, एफ इज प्रोसेसिंग, ये एफ जो है वो प्रोसेसिंग है। तो फिर से डेफिनेशन एक बार, द करस्पॉन्डेंस विच मैप्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो सेट बी का तो तुम्हें यूनिक एलिमेंट यूज करना पड़ेगा, और सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट यूज करना पड़ेगा। ये डेफिनेशन में आ गया, तभी फंक्शन होगा, ठीक है। ऑब्वियसली फंक्शन तभी होगा जब सेट ए का तुम हर एक एलिमेंट यूज करो। तो इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर अच्छा बच्चा होगा तो सिर्फ सेल्फ स्टडी तो करेगा नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिशन जेई का इतना तगड़ा कॉम्पिटिशन है, तो वो हर तरह की स्टडी करेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, है ना, अपने पास होने के लिए। मतलब ये भी जो भी अवेलेबल होगा, और ये प्रैक्टिकली समझदारी है कि जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसको पूरा यूज कर लो। यानी स्कूल में कुछ नॉलेज मिलती है, ट्यूशन में कुछ नॉलेज मिलती है, ऑनलाइन स्टडी में कुछ नॉलेज मिलती है, सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो इस ए सेट के तो सारे एलिमेंट्स को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, अगर तुम्हें जेई क्वालिफाई करना है। तो ऐसे याद रखो, तो डेफिनेशन अब समझ में आई होगी, विथ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो इसमें फिर से वही ले आए, ए बी सी डी, एफ फेल, सी फेल, सी बी ए, सी बी ए, ठीक है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे ने सेल्फ स्टडी भी की हो, और मतलब ट्यूशन जाके भी स्टडी की हो, अब मैं भूल जा रहा हूं कि टू क्या है, वो तुम अब याद रखना, और तब भी फेल हो जाए। ये भी हो सकता है कि चारों तरीके से स्टडी की हो तब भी फेल हो जाए, है ना। तो ये इस तरह का सेट हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब कोई बच्चा ऐसा हो कि फर्स्ट भी यूज करे, सेकंड भी यूज करे, तब भी फेल हो जाए। फिर ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड से ही किसी को ग्रेड सी मिल जाए, और फोर्थ ऐसा। तो आई थिंक ये तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल याद रहेगा। सेट ए के तुम सारे एलिमेंट्स यूज कर सकते हो, करना पड़ेगा तभी फंक्शन होगा, क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में नेसेसरी नहीं है कि कोई सारी चीजें यूज करे। मगर जब फंक्शन डिफाइन करते हो, फंक्शन जब डिफाइन करते हैं, तो एक चीज हमें समझ के रखनी होगी कि हम जो भी यूज कर सकते हैं इनपुट में, सबको यूज करना होगा, तभी फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। आउटपुट में ऑब्वियसली कुछ एलिमेंट छूट जाएंगे, क्योंकि अगर फेल होगा तो ग्रेड ए नहीं आएगी, तो आउटपुट के कुछ एलिमेंट छोड़ सकते हो। तो आउटपुट तुम्हारे कर्मों का फल है, तो फल जो है वो तुम्हारे पर डिपेंड नहीं करता, कर्म तुम सारे कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कहेंगे, इसके सारे एलिमेंट्स को हम अगर एसोसिएट भी कर दें, टू को बी से भी एसोसिएट कर दें ऐसे, है ना, थ्री को भी एसोसिएट कर दें ए से, और इसको भी इससे एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर एक एलिमेंट के साथ भी ऐसा हो गया तो नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन। मतलब अगर थोड़ी सी ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में समझोगे, मैं फिजिक्स इसमें डालता जाऊंगा, ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में समझोगे कि
इस तरह से इसको रे की तरह फील करो, तो इसमें जो डाइवर्जन है ना, ऐसे डाइवर्ज होती है लाइट रे, अगर लाइट रे के बीच की डिस्टेंस ऐसे इंक्रीज करे तो डाइवर्जन होता है, तो डाइवर्जन इज नॉट अलाउड, है ना, डाइवर्जन नॉट अलाउड, यू कैन से डाइवर्जन इज डाइवर्जेंट नॉट अलाउड, डाइवर्जेंट फंक्शन में डाइवर्जेंट नॉट अलाउड है, एनओ लिख देता हूं, एन ए लिख देता, अलाउड होता ना एन ए, नॉट अलाउड, ठीक है, और कन्वर्जेंट अलाउड है, है ना, वन और टू करके भी कोई फेल हो सकता है, तो दिस इज अलाउड, तो यू कैन से कि रे कन्वर्ज कर सकती है, तो कन्वर्जेंट अलाउड, कन्वर्जेंट अलाउड, अलाउड एल, है ना, एल लिख दिया अलाउड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, तो ये फंक्शन नहीं होगा और ये फंक्शन होगा, ऑब्वियसली ये भी फंक्शन होगा, तो ये फंक्शन नहीं होगा, तो ये हमने सेट थ्योरी की डेफिनेशन में समझ लिया कि क्या फंक्शन होगा क्या फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, चलो कुछ और बातें ले लेते हैं, सपोज इसका कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इस सेट का, ए सेट का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ए है, और बी सेट का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट बी है, ठीक है, और इनके बीच में एक फंक्शन डिफाइंड है, तो कुछ डेफिनेशन है इसको हम लिखेंगे, यानी जो एलिमेंट बी है वो फंक्शन एक प्रोसेस हो गई है ना, उसके साथ एसोसिएटेड है, तो वी कैन से बी इज फंक्शन ऑफ ए, ऐसे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हमने देखा था, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी इज फंक्शन ऑफ ए, तो बी को बहुत सारे नाम होते हैं बी के, एक नाम ले सकते हो, यू कैन से वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए, ऑफ फंक्शन एट ए, हम कुछ भी रटेंगे नहीं, सब समझ समझ के पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत मजेदार है, ठीक है, दूसरी चीज है इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं इमेज ऑफ ए, है ना, इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ ए, कुछ कुछ ऑप्टिक्स जैसी चीज आ रही है ना, लाइट जैसी, इमेज ऑफ ए, तो बी इमेज ऑफ ए हो गया, ये नाम होते हैं, तो या तो कह सकते हो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए बी को, बी के लिए, ए के लिए क्या क्या नाम होते हैं, ए को कहते हैं प्री इमेज, है ना, ए को कहते हैं प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ बी, प्री इमेज ऑफ बी, इमेज ऑफ बी, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए जो नामकरण है, है ना, नाम दिया इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन एज ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में हमें फंक्शन को समझना है, ठीक है, तो पहले तो एक मैं प्यारी सी अंडरलाइन बनाता हूं, ठीक है, नाउ सपोज टेक थ्री एलिमेंट्स, वन टू एंड थ्री, इन सेट ए and in set B take two elements x and y, अब इसके जो ordered pair होंगे वो बना लेते हैं, कितने ordered pair possible हैं, तो पहले तो हम ordered pair लिखते हैं OP, OP का मतलब ordered pair, तो हमें set A से सारे element का set B के सारे element के साथ pair बनाना है, तो ये हो जाएगा 1x एक pair, 1x, then 1y, then 1y, then you can write 2x, then 2y, ठीक है, then 3x and 3y, then 3x and 3y,
आई थिंक यू नो द ऑर्डर पेयर, यानी इन सब का सेट ए का सेट बी के सबके साथ पेयर बनाना है, तो ऐसे पेयर बन जाएगा, है ना। यू कैन अंडरस्टैंड कि तीन बॉयज हैं टू गर्ल्स हैं, तो कैसे तुम पेयर बना सकते हो, है ना, इस तरह के पेयर बन गए। अब फंक्शन हम इसका कोई सबसेट डिफाइन कर सकते हैं, जैसे सपोज करो एक हमने फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। फंक्शन में ये नेसेसरी नहीं है कि ऑर्डर पेयर के सारे एलिमेंट हो, तो एक फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है, 1x, है ना, 1x। फंक्शन में a के सारे एलिमेंट लेने होंगे, वो डेफिनेशन में ही आ गया। एक बार हम फिर बाद में डेफिनेशन पे जाएंगे, एक्चुअली मैं डेफिनेशन शुरू में नहीं समझ सकते, बाद में अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन एक तरह से कॉन्क्लूजन होता है, तो वो एंड में ही समझ में आता है, लिख हम शुरू में लेते हैं मगर बाद में ही समझ में आता है। तो 2x, है ना, ऐसे ले लिया, और 3y, ठीक है, 3y, कैपिटल y, है ना, 3y, यू कैन राइट एनीथिंग, स्मॉल y, कैपिटल y, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। मगर फिर इधर भी स्मॉल x, स्मॉल y लेना पड़ेगा। चलो, तो ये एक फंक्शन हो गया। इस फंक्शन में ऑर्डर पेयर के सारे एलिमेंट नहीं है, है ना, बट सेट a के सारे एलिमेंट होने चाहिए, जो कि डेफिनेशन कहती है फंक्शन की। क्या कहती है डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज अ रूल, द मैनर, अ मैपिंग, अ रेस्पॉन्डेंस, ये फालतू के चार वर्ड है, सिंपल फंक्शन, विच मैप्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो ए का सारा एलिमेंट होना चाहिए और वो एसोसिएट होना चाहिए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी से, तो वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो ये फंक्शन है और ये ऑर्डर पेयर है। ऑब्वियसली जो फंक्शन होगा वो ऑर्डर पेयर का सबसेट होगा, आई होप तुम्हें सबसेट आता हो, है ना। ऑर्डर पेयर का सिंबल ये होता है a इंटू बी, है ना, a का b के साथ पेयर बना लिया तो a इंटू बी, तो फंक्शन ऑर्डर पेयर का सबसेट होगा, ठीक है। सो a इंटू बी मतलब ये वाला सारा ऑर्डर पेयर, यहाँ पे a इंटू बी भी लिख सकते हो, अगर इसको ऑर्डर पेयर ना लिख के इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a इंटू बी के सारे एलिमेंट हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ a इंटू बी, इस ऑर्डर पेयर के ऑल द एलिमेंट, ठीक है, दिस ऑल द एलिमेंट, और यू कैन मेक अ एरो लाइक दिस, ठीक है, ओके, आई थिंक यू गॉट दिस, है ना, ओके। तो बाकी तो फंक्शन की डेफिनेशन है कि, है ना, ए के सारे एलिमेंट लेने हैं और बी के वो यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, ओके। सो अगर सपोज करो, आई विल टेक नेक्स्ट पॉइंट बाय नेक्स्ट कलर, अगर सपोज करो एक जैसे ऑर्डर पेयर है ए बी, दैट बिलोंग्स टू फंक्शन, सेम फंक्शन, अगर दूसरा ऑर्डर पेयर है ए और सी, दैट बिलोंग्स टू सेम फंक्शन, ये सेम मुझे यहां पर कहना चाहिए ना। तो अगर दो ऑर्डर पेयर है और दोनों एक ही फंक्शन से बिलोंग करते हैं, एक ए बी है एक ए सी है, तो ये तभी सही हो सकता है जब बी और सी सेम हो, है ना, अदरवाइज नहीं हो सकता, क्योंकि डाइवर्जेंट नॉट अलाउड, ठीक है। सो बी का यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, दो एलिमेंट ऐसे डिफरेंट नहीं हो सकते, है ना, एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते, ये याद रखो हमेशा, ठीक है। और आई होप लास्ट में अगर हम इसको ग्राफिकल फॉर्मेट में देख लें, तो मतलब ये सेट थ्योरी के हिसाब से फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन हो गई, और थोड़ा सा हम इसको ग्राफिकल फॉर्मेट में देख लेते हैं। ग्राफिकल फॉर्मेट में सेट बी के एलिमेंट इधर होते हैं, जिसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो इसमें सब के सब सेट बी के एलिमेंट होंगे, और यहां पर एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और सेट ए के सारे एलिमेंट होंगे इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे अगर ग्राफ कुछ ऐसे होगा तब ये फंक्शन नहीं हो सकता,
क्योंकि एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते। तो यहां पर अगर एक इनपुट है, एक्स का मतलब इनपुट है ए, ए दो बी से एसोसिएट नहीं हो सकता, क्योंकि इस ग्राफ का मतलब है कि इस पर्टिकुलर ए की वैल्यू पे, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए सेट के बी की दो वैल्यूज हैं, एक तो ऊपर वाली वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ग्राफ्स में ये चीज ध्यान रखनी होती है कि एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं हो सकते, ठीक है, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स ऑफ फंक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डोमेन्स डिस्कस करेंगे।